गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाठ 10 झरना करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको यह समझाया जाएगा कि पानी वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकता और बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर ऊंची ऊंची चोटियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और अपनी आवाज से शोर मचाता हुआ सबको अपना परिचय देता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और इसी तरह इस झरने कविता के माध्यम से हमें कवि ने यह समझाने का प्रयास किया कि हमें अपने जीवन में बिना हिम्मत हारे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करें। झरना, आप लोग अपनी बुक में चैप्टर नंबर 10 झरना ओपन करिए। पर्वत की छाती को तोड़, ऊंची चोटी पीछे छोड़, बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। यहाँ पे झरने के बारे में कहा जा रहा है कि कवि कह रहे हैं कि पानी को रास्ते में चाहे कोई पेड़, पहाड़ या कुछ भी मिले, वो सबको पीछे छोड़कर पर्वत की छाती को तोड़, ऊंची चोटी पीछे छोड़, मतलब रास्ते में झरने को पर्वत, ऊंची चोटी, इन सबको पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है, करता चलता हरदम शोर। वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकता, वह बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर ऊंची ऊंची चोटियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और अपनी आवाज से शोर मचाता हुआ सबको अपना परिचय देता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मिले राह में पेड़ पहाड़, चाहे मिले झाड़ झंखाड़, लड़ता है सबसे भरपूर, करता पल में सबको चूर। अब क्या कह रहे हैं कवि, कह रहे हैं कि पानी को रास्ते में चाहे कोई पेड़ पहाड़ या कोई कांटेदार झाड़ियों का समूह मिले, झंकार मतलब कांटेदार झाड़ियों का समूह मिले, वो सबसे लड़ता हुआ सबको ध्वस्त मतलब नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मस्ती में गाता है गान, देता सबको जीवन दान, जहां जहां भी बहती धार, छा जाती है वहां बहार। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वो अपने आप में मस्ती करता हुआ, अपने आप में मस्ती करता हुआ, मस्ती में गाता है गान, मस्ती करता हुआ गीत गाता हुआ और सबको जीवन दान देता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जहां जहां भी जल की धारा पड़ती है वहां हरियाली अर्थात बहार छा जाती है, अर्थात जल की धारा जहां जहां पर पड़ती है वहां पर पूरी हरियाली छा जाती है, गांव शहर पूरे हरे भरे हो जाते हैं। चलना ही बस उसका काम, करता नहीं कभी आराम, बढ़ता मन में ले उल्लास, मंजिल खुद आ जाती पास। अब कवि कह रहे हैं कि उसका काम चलना ही है, वो कभी आराम नहीं करता और अपने मन में एक उल्लास लिए, एक नई उमंग लिए वो आगे दर आगे बढ़ता जाता है। इस उमंग से उसकी मंजिल स्वयं उसके पास आ जाती है, मंजिल खुद आ जाती पास, मंजिल स्वयं उसके पास आ जाती है। तुम भी मन में ले उत्साह, गढ़े चलो विघ्नों मेरा, बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए निहाल। अब कवि बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हमें समझाते हुए कह रहे हैं, एक झरने का को माध्यम बनाकर वो हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों तुम भी अपने मन में एक उत्साह, एक उमंग,
लिए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चलो। जिस तरह पर्वत, पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियां, झाड़ियां, झंखाल झरने के रास्ते में आते हैं, पर वो बिना रुके अपनी मंजिल के पास, स्वयं मंजिल उसके पास आ जाती है। बिना रुके निरंतर चलता रहता है, वो हिम्मत नहीं हारता है। इस तरह कवि समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में एक उत्साह, एक उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आपको पाठ 10 झरना विस्तार से समझा दिया गया है। अब हम इसकी कठिन शब्द आपको वर्कशीट में दी जाएंगे देंगे और प्रश्न उत्तर भी साथ में दिए जाएंगे। धन्यवाद।